नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदा स्वाद में स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बैंगन की कलौजी। तो आप देख सकते हैं हमने बैंगन की कलौजी को बना रखा है, तो आगे मेरा पूरा वीडियो देखिए कि मैं बैंगन की कलौजी बना कैसे रही है। तो ऐसे ही टेस्टी कलौजी अगर आपको बनाना है तो प्लीज़ मेरा पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों बैंगन की कलौजी बनाने के लिए हमने बैंगन ले लिया है, तो ये हमारा 500 ग्राम बैंगन है। तो हमने अच्छे से धो लिया है इसे, तो इसे रखेंगे एक तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी कलौजी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, तो इसे सबसे पहले हम भून लेंगे। तो दोस्तों हमने रख दिया है पैन गैस पे और गैस को कर दिया है ऑन। तो इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच धनिया के बीज, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मंगरेल, 1/4 चम्मच मेथी। तो ये सारी चीज़ों को मैं हल्के आंच पे रोस्ट कर लूँगी। दोस्तों हमारे मसाले भुन गए हैं, तो हम गैस को करेंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि ये ठंडा होगा फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे। दोस्तों हम अपने बैंगन को भरने के लिए तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बैंगन को ऐसे ही लिया है और हमें इसके ऊपर के ये टिप नहीं काटनी है, इसे ऐसे ही रखना है। तो हम इसमें चाकू से ऐसे कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमें ऐसे ही कट करना है अपने बैंगन को, और दूसरी साइड से एक और कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने अपने बैंगन में ऐसे ही कट लगानी है, 2 साइड से, पूरा नहीं कट करना है। तो ऐसे ही हम अपने सभी बैंगनों को कट कर लेंगे। दोस्तों हमने कट लगा दिया सभी बैगनों में, तो इसको हम ध्यान से ऐसे खोल के देख लेंगे दोनों साइड से कि अंदर से ये ख़राब तो नहीं है। तो सभी बैगनों को हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। दोस्तों मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो हम सबसे पहले अपने बैगन को जो है इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दोस्तों इसे हल्का सा हमें फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जिससे कि थोड़े से नरम हो जाए और मसाले भरने में इसमें आसानी हो। हमें सब मीडियम आंच में ही करना है। दोस्तों ये हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे बाहर और ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं, तो हम इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। दोस्तों हमारे मसालों का दरदरा पाउडर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो बिल्कुल तैयार है, और साथ में हम पीस लेंगे 1 बड़ा प्याज। ये हमने 1 बड़ा प्याज काट करके ले लिया है, इसे पीस लेंगे। और इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची मैं पीस रही हूँ, तो मिर्ची जैसा आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। दोस्तों इसको भी हम पीस लेंगे। दोस्तों हमने इसे भी पीस लिया, तो इसे भी इसी में निकाल लेंगे। दोस्तों अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर। तो ये हमारा 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, इसे डाल दूँगी। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसाले के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे कलौजी का जो है मसाला बिल्कुल रेडी है। तो हमने सारी चीज़ें हाथों से मिक्स कर दी हैं। तो दोस्तों इस मसाले को थोड़ा सा आप टेस्ट करके चेक करके देख सकते हैं इसमें नमक कैसा है। अगर नमक चटपटा होगा तभी बैंगन में सही आएगा, अगर नमक जो है हल्का लगेगा तो थोड़ा सा आप और मिक्स कर दीजिएगा, ताकि बैंगन के अंदर जाने के बाद इसमें नमक परफेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने टेस्ट कर लिया है, इसमें जो है कि मसाले नमक और मिर्ची सभी एकदम परफेक्ट हैं। तो अब हम बैंगन में इसको भरते हैं। दोस्तों हमारे बैंगन बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑयल भी अच्छे से भर गया है। तब इसके अंदर हम भरेंगे मसाले, दोनों साइड ही भरेंगे हम, दोनों साइड कट किया था हमने अच्छे से। दोस्तों ऐसे ही करके हम सभी बैगन को भर देंगे मसालों से।
दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सभी बैगनों में मसाले भर दिए हैं, तब इन्हें फ्राई करते हैं। दोस्तों मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल सरसों का। तब हम सभी बैगन इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों जब हमने बैगन को फ्राई किया था तो ये थोड़े से तो पक गए थे, हमें इन्हें थोड़े से और पकाने हैं तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। दोस्तों आंच को बिल्कुल धीमा रखना है हमें, बिल्कुल तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो ये जलने लगेंगे और पकेंगे नहीं। तो आंच हमारा धीमा रहेगा तो ये धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पक जाएंगे और इसे हम ढक देंगे ताकि ये जल्दी से पके। दोस्तों हम बैगनों को बहुत ही ध्यान से चलाएंगे, बहुत ही संभाल संभाल के चलाएंगे, नहीं तो ये बिखर जाएंगे। हम आराम से इसे पलट देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी कलौजी बिल्कुल रेडी हो गई है पक के। तो इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगा है, समय सारा तैयारी में ही लगता है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी कलौजी सर्व कर दी है खाने के लिए। तो दोस्तों बैंगन की कलौजी बनाने का मेरा अगर तरीका आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।